हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो की शुरुआत में ये देखिए खूबसूरत सा हाइबिस्कस का फ्लावर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको मेरे कुछ नए प्लांट्स दिखाऊंगी। तो मैंने कुछ नए प्लांट्स लिए हैं, तो आपसे शेयर किए बिना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से नए प्लांट्स मैंने खरीदे हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये मेरा मूनशाइन सेंसिविरा है। इसको मूनशाइन स्नेक प्लांट भी बोलते हैं। मेरे पास स्नेक प्लांट के और 3 वैरायटीज़ हैं, तो ये मुझे बहुत दिनों से चाहिए था, तो ये मुझे नर्सरी में दिख गया और मैंने इसको ख़रीद लिया। ये एक प्लास्टिक के डिस्पोजेबल पॉट में लगा हुआ है। फ्रेंड्स, इसकी मैंने रिपोर्टिंग नहीं की है और मैं कुछ दिनों के बाद इसकी रिपोर्टिंग कर दूँगी एक खूबसूरत से पॉट में। और इसका जो सॉइल मिक्स है वो भी उतना ख़ास नहीं है, लेकिन वेल ड्रेनिंग है, तो इसमें थोड़ी सी कंपोस्ट मिला के मैं इसको रिपोर्ट कर दूंगी। और ये प्लांट मुझे 180 रुपीज़ में मिला। स्नेक प्लांट्स बहुत हार्डी होते हैं, तो बिगिनर्स के लिए भी ये प्लांट बहुत अच्छा होता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट प्लांट, और वो है ये कैक्टस। जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में, जो नर्सरी टूर वाला वीडियो था, उसमें मैंने आपसे जाहिर किया था कि मैं आजकल कैक्टस का ऑब्सेशन होने लगा है मुझे आजकल। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कितना खूबसूरत कैक्टस है। ये एक फ्लावरिंग कैक्टस है। और ये कैक्टस मुझे मिला 150 रुपीज़ में। सो 150 रुपीज़ में मुझे ये कैक्टस मिल गया। फ्रेंड्स, ये कैक्टस जो है जिस नर्सरी से मैं लाई हूँ, तो उस नर्सरी में ये कैक्टस एक अरेंजमेंट में लगा था। एक पॉट में जो ओनर है उन्होंने सक्यूलेंट अरेंजमेंट किया था, तो उस अरेंजमेंट में ये बीच में लगा हुआ था कैक्टस। और साइड्स में जो है वो अलग अलग सक्यूलेंट्स लगे हुए थे, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि ये कैक्टस मुझे निकाल के दे दे, तो उन्होंने ये कैक्टस मुझे निकाल के दे दिया। और इसमें बहुत बढ़िया रूट्स भी बने थे, और घर आकर मैंने इमीडिएटली इसको एक अच्छे से वेल ड्रेनिंग पॉटिंग मिक्स में इसको रिपॉट कर दिया। और देखिए, ये पॉट भी काफ़ी खूबसूरत है, सेरेमिक का पॉट। अभी मैं आपको नेक्स्ट प्लांट दिखाती हूँ। ये भी एक कैक्टस है। अभी मैं धीरे धीरे और भी बहुत सारे कैक्टस खरीदूँगी। तो फ्रेंड्स, ये कैक्टस जो है मैं एक रोड साइड व्यापारी से लाई हूँ, तो ये कैक्टस मुझे 80 रुपीज़ में मिला। एक्चुअली ये कैक्टस जो है एक बहुत ही ख़राब सॉइल में लगा हुआ था, एकदम चिकनी मिट्टी में लगा हुआ था। और चिकनी मिट्टी तो आपको पता ही है कैक्टस के लिए कितना ख़राब है, इसकी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होगी। वैसे चिकनी मिट्टी तो किसी भी प्लांट के लिए अच्छी नहीं होती है, तो मैंने इमीडिएटली सारे चिकनी मिट्टी को इसके रूट से हटा दिया। और मैंने इसको अच्छे से एक पॉटिंग मिक्स में, मैंने वही कैक्टस वाला पॉटिंग मिक्स मैंने इसमें डाल के बस इसकी रिपोर्टिंग कर दी। और रूट्स को मैंने अच्छे से वॉश भी कर दिया, ताकि थोड़ा सा भी चिकनी मिट्टी इसमें ना रहे। तो फ्रेंड्स, देखिए कैसा लगा आपको ये कैक्टस। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हर कैक्टस की अलग ही खूबसूरती होती है, और ये सेरेमिक पॉट में लगा हुआ ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। वैसे कैक्टस को हम अगर खूबसूरत पॉट्स में लगाए तो इनकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, अभी लास्ट प्लांट मैं आपको दिखाऊंगी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। और ये भी एक कैक्टस है, और ये थोड़ा सा छोटा है साइज में। ये देखिए, फ्रेंड्स, इसकी जो मिट्टी थी ये मैं नर्सरी से लाई हूँ। जोराबाट की तरफ एक नर्सरी है, लाइफ लाइन नर्सरी, तो वहाँ से मैं इसको लाई हूँ। और ये कैक्टस मुझे पड़ा
130 रुपीज़ पड़ा था। और इसका जो सॉयल था फ्रेंड्स, इसमें जो जिस सॉयल में ये लगा था, ये बहुत ही अच्छा सॉयल था, जो कैक्टस के लिए परफेक्ट सॉयल है, वो उसी सॉयल में लगा था। तो इसीलिए मैंने इसके सॉयल को नहीं हटाया, बस इसको मैंने उस पॉली बैग से निकाल के मैंने इसमें इसको इस पॉट में डाल दिया और साइड से मैंने अपना सॉयल डाल दिया। और ये भी सेम वाइट कलर के पॉट में मैंने लगाया है, जिस ये वाला सेम है। तो फ्रेंड्स बस यही 4 मेरे पास नए पौधे हैं फ़िलहाल। तो मैं और भी ख़रीदूँगी कैक्टस, तो आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।